अस्सलाम वालेकुम, रंगजेब अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो इसमें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो काइंडली जो मेरे न्यू व्यूवर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए मैंने ये 300 ग्राम चिकन लिया है, 2 टमाटर की ग्रेवी बना ली है, सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया, टमाटर ये चौरस कटिंग की हुई है इसकी, प्याज एक अदद, शिमला मिर्च एक अदद, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये दही मैंने इसको फेंट दिया है, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, ये मैंने थोड़ा सा खुशक धनिया लिया है साबत, हल्दी हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी। और 2 अदद अंडे लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिकन जलफेजी बनाना। इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें ये हाफ टेबल स्पून जीरा, इसको 25 से 30 सेकंड फ्राई करते हैं। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और इसको ब्राउन कर लेते हैं। लहसुन और अदरक हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से। तो अब इसमें ये 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है, इसकी छोटी छोटी बोटी की है, ये शामिल करते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें हल्दी हाफ टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च और हाफ टेबल स्पून नमक, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये 1 मिनट इसको मिक्स करने के बाद टमाटर 2 अदद मैंने लिए थे, इनकी ग्रेवी बना ली है, इसमें शामिल करते हैं। और आग थोड़ी हल्की करके इसकी बनाई करते हैं 5 से 10 मिनट तक। ये जब स्टेज पर आ जाए, थोड़ी थोड़ी ऊपर तरी आ जाए, तो इसमें शिमला मिर्च 1 अदद, ये मैंने इस तरह इसके पीस किए हैं, चौरस और प्याज 1 अदद इसमें शामिल कर लेने हैं। और इसको भूनते जाए। हाफ टेबल स्पून मेथी, और हाफ टेबल स्पून खुशक धनिया, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है।
इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा देते हैं ताकि प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी गल जाए। दो मिनट हो चुके हैं तो अब इसको ढक्कन उठा लेते हैं। और अब इसमें दही शामिल कर देते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करते हैं, बनाई करते हैं। हमारी चिकन जल फ्रेजी रेडी हो चुकी है तो अब इसमें ये टमाटर शामिल करते हैं। तो मैंने 2 अंडे लिए थे, एक गार्निश के लिए और एक इसमें शामिल कर देते हैं। ये गरम मसाला है, ये एंड पर शामिल करना है। चिकन जल फ्रेजी हमारी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो अब इसको सर्विंग के लिए निकालते हैं। सब्ज मिर्च और धनिया छड़क के मिक्सर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो अब इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं धनिया के 2-3 पत्ते, सब्ज मिर्च और अंडा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का।